आज का हमारा विषय है समाचार के स्रोत, इसको कहते हैं सोर्सेस ऑफ न्यूज। समाचार पत्र में विभिन्न स्रोतों से खबर लाई जाती है। आपको पता है कि समाचार पत्र में या पत्रिका में या किसी भी चैनल में या कोई रेडियो का बुलेटिन भी हो, तो वहाँ एक न्यूज़ रूम होता है और एक रिपोर्टर्स रूम होता है। रिपोर्टर्स फील्ड से खबर लाते हैं, सबसे ज़्यादा खबर रिपोर्टर ही लाते हैं। वो कहाँ से लाते हैं? फील्ड से खबर लाते हैं। और सब एडिटर के रूम में जाता है वो, न्यूज़ रूम में, और उसका संपादन होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से रिपोर्टर ही खबर लाता है, तो उसके ही सोर्सेस होते हैं, उसके बीट्स होते हैं, उसके कार्य क्षेत्र जिसको कहते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन समाचार को केवल रिपोर्टर ही नहीं लाता, देखो पाठक जो होता है उसके भी अपने समाचार के स्रोत होते हैं। मान लो आप पाठक हो तो आप भी तो कहीं से खबर लाते हो, अपने लिए पढ़ने के लिए ही सही। एक पाठक को बहुत रुचि है तो वो भी अलग अलग स्रोतों से खबर को पढ़ता है, अलग अलग मीडिया से खबर लाता है। कोई पत्रकारिता का स्टूडेंट है वो भी खबर अलग अलग मीडिया से लाता है, वो पढ़ता है, उसको समझता है, उस पर अध्ययन करता है। कोई किसी को पत्रकारिता का विद्यार्थी है, उसको कोई असाइनमेंट दे दिया टीचर ने, तो वो भी वो उसी खबर को अलग अलग स्रोतों से लाता है। यानी सबसे पहले जो हमारा ऑडियंस है उसके भी समाचार के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो एक स्रोत हुआ ऑडियंस के लिए, एक स्रोत हुआ रिपोर्टर्स के लिए, एक स्रोत हुआ डेस्क के भी सोर्स होते हैं। कभी कभी रिपोर्टर्स के स्ट्राइक हो गए या रिपोर्टर्स नहीं कर पाया तो डेस्क के भी सोर्स होते हैं, लेकिन वो बड़े इमरजेंसी में डेस्क वाले खबर लाते हैं। डेस्क वाले मतलब जो सब एडिटर्स होते हैं। तो ऑडियंस, ऑडियंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अखबार के लिए तो रीडर हो गया, रेडियो के लिए लिसनर हो गया, और टेलीविज़न के लिए व्यूअर हो गया, इंटरनेट के लिए यूज़र हो गया। तो ये जो ऑडियंस है ये एक समाचार कहाँ से प्राप्त करता है, इसके भी अपने स्रोत होते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो कोई घटना घटी, ठीक है, अभी राजू श्रीवास्तव चलबल से बीमार थे, या कोई भी घटना है, बड़ी घटना छोटी घटना जो भी हो, तो वो घटना के बारे में आप कहाँ से जानते हो? आपके अलग अलग अपने स्रोत होते हैं, उसको कहते हैं पाठक या ऑडियंस के स्रोत, सोर्सेस ऑफ न्यूज़। तो आप उसको सबसे पहले समाचार पत्र से प्राप्त करते हैं। सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़े, वो घटना तस्वीर के साथ कई बार फ्रंट पेज पर है, दूसरे पेज पर है, जहाँ भी है, तो समाचार पत्र आपका सबसे पहला स्रोत पाठक के लिए, या ऑडियंस जिसको कहते हैं। ठीक है, पहला स्रोत क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स आर द सोर्सेस ऑफ न्यूज़ फॉर द ऑडियंस। दूसरा स्रोत क्या हुआ? दूसरा स्रोत हो गया रेडियो। रेडियो के एम चैनल हैं, एफएम चैनल हैं, उससे भी पाठकों को न्यूज़ प्राप्त होता है। समाचार पत्र तो है ही, कई बार पाठक विभिन्न समाचार पत्रों को भी पढ़ता है, जो थोड़ा प्रोफेशनल्स होता है, जो सेमी प्रोफेशनल्स है। जैसे आप लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप जर्नलिस्ट नहीं हैं अभी, अभी आप जर्नलिस्ट बनने की तैयारी में, तो आपको हम सेमी प्रोफेशनल कहेंगे। तो आपके स्रोत क्या हैं? आप कई अखबार को पढ़ते हो, आपके डिपार्टमेंट में भी कई अखबार आता है, लाइब्रेरी में भी आता है। ठीक है, अगर मैनुअली देखें तो आप उसको पढ़ते हैं, तो उससे एक ही खबर को कई अखबारों में पढ़ते हैं, तो उसकी तुलना भी करते हैं, किसी में उसको आंशिक रूप में है, किसी में उसके दूसरे पक्ष हैं, किसी में उसके तीसरे पक्ष हैं। तो विभिन्न समाचार पत्र आपके स्रोत हैं। उसके बाद रेडियो, रेडियो का एम चैनल है, एफएम चैनल, एफएम चैनल बहुत सारे हैं, उसको भी आप कभी गाड़ी में चलते हुए सुन लेते हो, कभी मोबाइल में सुन लेते हो, तो वो भी आपके समाचार के स्रोत। ठीक है, उसके बाद टेलीविज़न भी आपके समाचार के स्रोत। रेडियो और टेलीविज़न तो खबर को एक दिन पहले ही बता देते हैं, मान लो अभी घटना घटी तो अभी रेडियो पर आ जाएगा, अभी टेलीविज़न पर आ जाएगा, अखबार में तो अगले दिन आएगा, लेकिन अखबार में उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, विस्तृत ब्यौरा और न्यूज़ एनालिसिस, बैकग्राउंडर, न्यूज़ फीचर्स, सब अलग तरीके से थोड़ा उसका विस्तृत विश्लेषण भी आता है, क्योंकि आजकल टेलीविज़न पर और रेडियो पर एक दिन पहले ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि इंटरनेट, एक तीसरी मीडिया क्या हो गई? इंटरनेट मीडिया, जिसको हम वेब मीडिया, सोशल मीडिया कहते हैं आजकल, डिजिटल मीडिया। ठीक है,
तो इन सबसे पाठकों को खबर प्राप्त होती है। बल्कि आजकल तो न्यूज़पेपर, मैंने सबसे पहले बताया, मैं न्यूज़पेपर से तो दूसरे दिन पता लगती है आपको, पहले ही फेसबुक से पता लग जाता है, सोशल मीडिया से, ट्विटर से पता लग जाता है, यूट्यूब से पता लग जाता है, विभिन्न सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर न्यूज़ आ जाती है। तो सबसे पहले आजकल तो न्यू मीडिया, सोशल मीडिया से न्यूज़ आती है। तो ये आपके लिए एक पाठक के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद रेडियो तो है ही, टीवी भी है, टेलीविज़न के विभिन्न चैनल्स हैं, एक चैनल नहीं अनेक चैनल, और ये सबको सुनने के बाद न्यूज़ पहले ही पता लग गया आप। दूसरे दिन आपको फिर आपको अखबार से भी पता चलता है, उस समाचार का और भी गहन विश्लेषण आपको वीकली मैगजीन्स आते हैं, पत्रिका, इंडिया टुडे, संडे, और भी हिंदी की कई पत्रिकाएं हैं, उस पर उसका विस्तृत ब्यौरा, उस पर फीचर, उस पर लेख सब आते हैं। तो पाठक के लिए सारे स्रोत हैं, ठीक है। अखबार के भी वेबसाइट एडिशंस होते हैं, वो भी अखबार के एक तो मैनुअल सोर्स हुए, अखबार के एक ऑनलाइन सोर्स भी, सभी अखबार ई पेपर के रूप में भी आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, ठीक है। वेबसाइट एडिशन के रूप में भी इंटरनेट पर मिल जाता है अखबार, और अखबार के पोर्टल्स भी होते हैं, पोर्टल्स भी आपको, जैसे वेबसाइट एडिशन एकदम ऑडियो विजुअल की तरह खबर देते हैं, टेलीविज़न जैसे दे रहा है वैसे अखबार भी खबर दे रहा है। आजकल अखबार के ऑडियो विजुअल्स रिपोर्टर्स होते हैं, उसी तरह अखबार के पोर्टल्स होते हैं। पोर्टल्स पे और वेबसाइट एडिशन में क्या फ़र्क है? वेबसाइट एडिशन में सुबह, दोपहर, शाम बदलाव आता है, पोर्टल्स में क्या है, साथ साथ बदलाव आता है, उससे भी फास्ट, बिल्कुल टेलीविज़न की तरह। मान लो विराट कोहली अभी 54 रन पर बैटिंग कर रहा है, वो 55 हो गया तो पोर्टल्स में भी 55 हो जाएगा, लेकिन वेबसाइट में फिर वो 4-4 घंटे के बाद बदलते हैं वेबसाइट्स, तो पोर्टल्स उससे भी आ गए। ये न्यूज़पेपर का ही रूप है। तो अब न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी सब एक जैसा हो गया, मिल गया, कन्वर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया, ठीक है। तो ये सभी पाठकों के लिए या ऑडियंस के लिए कहें एक समाचार के स्रोत। अब रिपोर्टर्स के लिए, रिपोर्टर्स के लिए समाचार के क्या स्रोत, पहले डेस्क के लिए कर लो, डेस्क के लिए क्या स्रोत, डेस्क मतलब जो न्यूज़ रूम है, जो डेस्क पीपल हैं, जो फील्ड में नहीं जाते वहीं बैठकर काम करते हैं, उनके लिए समाचार के बहुत सारे स्रोत। सबसे पहला स्रोत उसका अपना रिपोर्टर, ठीक है, उसका अपना रिपोर्टर, ये डेस्क की बता रहा हूँ मैं, ऑडियंस की तो बता दिया, अब डेस्क की सुनो। डेस्क के लोग जो अखबार बनाते हैं, उप संपादक होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, ये अंतिम रूप देते हैं अखबार को। तो इनके पास खबर आती है अपने रिपोर्टर से, फिर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से आती है। कॉरेस्पॉन्डेंट्स और रिपोर्टर में क्या फ़र्क है? कॉरेस्पॉन्डेंट दूर से खबर भेजता है, ठीक है, वो दूर पर होता है। जैसे अखबार मान लो हिसार से निकल रही है, तो कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स उसके चंडीगढ़ में भी होते हैं, तो वो रोज़ रोज़ ऑफिस थोड़ा आएंगे, वो वहीं से फैक्स करेंगे, मेल करेंगे। आजकल ये बात अलग है कि लोकल रिपोर्टर भी मेल कर देता है, लेकिन उसको दफ्तर में पहुंचना ज़रूरी होता है, एक बार भेज देता है, मगर जो दूसरे शहर में है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए उसको कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। तो आपके न्यूज़ के सोर्स एक तो रिपोर्टर हुए, सीनियर रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, ठीक है। दूसरे स्रोत हुए कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, चीफ ऑफ द ब्यूरो, इवन फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट विदेश में होता है, तो डेली दफ्तर तो आता नहीं, विदेश से भेजता है खबर। मान लो यूके में कोई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है आपके अखबार का, तो वहाँ से वो न्यूज़ भेजेगा। तो ये जो रिपोर्टर्स हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रिपोर्टोरियल स्टाफ। रिपोर्टर्स अलग हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंट अलग हो गया, सब फील्ड के लोग, लेकिन एक रिपोर्टोरियल स्टाफ कहते हैं। रिपोर्टोरियल स्टाफ में रिपोर्टर्स सारे आ गए, जितने आरआर की मैंने बताई, और जितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी आ गए। कुछ अखबार के स्ट्रिंजर्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी डेस्क को खबर भेजते हैं। स्ट्रिंजर्स क्या होते हैं? ये आपके फुल टाइम स्टाफ नहीं होते, ये पार्ट टाइमर्स होते हैं, और इनको कॉलम के अनुसार पैसा मिलता है, इनकी सैलरी नहीं होती फिक्स्ड,
फिर जितना न्यूज़ छपेगा उतना पैसा मिलेगा कॉलम के अनुसार। हर अखबार का अपना नियम होता है, किसी कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, ठीक है। तो वो फुल टाइम कोई और भी जॉब करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो भी स्ट्रेंजर्स का काम करता है, कोई इवन पान के दुकान चलाता है वो भी खबर भेजता है कभी कभी। क्योंकि देखो हर जगह, हर मोहल्ले, हर कस्बे में अखबार अपना फुल टाइम रिपोर्टर नहीं रख सकता, चाहे वो कितना भी रिच अखबार हो, बड़ा से बड़ा अखबार हो, घटना तो कहीं भी घट सकती है, गांव में भी है, कस्बे में भी है। तो उसके स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो अखबार के टच में रहते हैं, जिस अखबार में उसका डिटेल्स होता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंजर है तो कोई भी भेज दिया तो स्ट्रेंजर का काम करेगा। तो ये सारे स्रोत हैं। कभी कभी सिटीजन जर्नलिज्म भी अखबार करवाती, कभी कभी अखबार छाप देती है कि कोई भी सिटीजन अपने मोहल्ले की कोई खबर है तो उसको आप उसका सूचना के रूप में ही भेज दीजिए। अगर आपको नहीं भी लिखने आता है तो आप न्यूज़ के रूप में भेजिए, नहीं तो सूचना, और उसकी एक अच्छी तस्वीर भेज दीजिए, और वो पाठक को भी प्रोत्साहित करते हैं और पाठक को कभी कभी पुरस्कार भी देते हैं। इसको सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। तो सिटीजन से भी न्यूज़ आता है डेस्क पर। तो डेस्क के इतने सारे स्रोत हैं समाचार के, ठीक है। अब रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, इनके क्या स्रोत हैं? रिपोर्टर्स के स्रोत होते हैं, सबसे पहले रिपोर्टर्स अपने स्पॉट पे जाता है तो उसको स्पॉट से खबर मिलती है। जैसे मान लो मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, अब कहीं खेल चल रहा है, कोई एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, तो हम वहाँ पर चले गए और वहाँ से हमको स्पॉट से डायरेक्ट खबर मिली। स्पॉट मतलब हम अपने बीट, जो हमारा कार्य क्षेत्र है। अगर हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं तो मैं असेंबली और पार्लियामेंट थोड़ी जाऊँगा, अगर मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ तो जहाँ एनुअल स्पोर्ट्स हो रहा है वहाँ मैं, मेरे चीफ रिपोर्टर हमको असाइनमेंट देंगे कि आप वहाँ जाइए। उसके भी अपने कुछ विधि विधान हैं, तो हम उसी, कभी अपने उसको फ्रीडम भी होती है। अगर उसका कैंपस बीट है तो अपना कैंपस में रिपोर्ट लेने चला है। कभी कभी डबल काम होता है, कैंपस को भी कवर करता है, स्पोर्ट्स को भी करता है, तो डिपेंड करता है अपने अखबार पर। लेकिन स्पोर्ट्स का है तो वो जाएगा स्पॉट पर अपने बीट में, बीट का मतलब कार्य क्षेत्र, और वहाँ जा कर के वो खबर को डायरेक्ट लेगा, आँखों देखी खबर उसको नोट करेगा, वहाँ से भी वो हैंडआउट्स लेगा, और भी जो बैठे हैं ऑर्गेनाइजर्स वो भी कुछ ब्रीफ कर देंगे, सब लेके वो अपने दफ्तर में पहुँचेगा, ठीक है। मेल बेशक करे लेकिन पहुँचना चाहिए। आज के रिपोर्टर्स स्पॉट पे नहीं जाते, ये अच्छी बात नहीं, इतनी आधुनिकता की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे व्हाट्सएप पे न्यूज़ मंगवा लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजर्स जैसे चाहेगा वैसे भेज देगा। आप जाइए देखिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमी है, क्या प्रशंसनीय है, सब चीज़ देखना होता है स्पॉट रिपोर्टिंग। उसके बाद रिपोर्टर्स के पास प्रेस रिलीज आता है, ठीक है। प्रेस रिलीज कहाँ आता है? प्रेस रिलीज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज आता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, PIB कहते हैं इसको। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो प्लान्स है, जो स्कीम्स है, बड़ी बड़ी वो चल रही है, नए नए बहुत सारे, ग्रीन इंडिया, ग्लीन इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे अभियान हैं उसके, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज, सेंट्रल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आता है। वो आएगा तो पहले रिपोर्टर्स के पास आएगा, या चीफ रिपोर्टर्स के रूम में आएगा, और वहाँ से फिल्टर होकर के वो न्यूज़ रूम में जाएगा, सब डेस्क के पास, पहले रिपोर्टर के पास आएगा। अपना अखबार की विधि विधान पॉलिसी भी होती, कभी कभी वो डेस्क को भी सीधा भेज देते हैं, लेकिन इट शुड गो थ्रू रिपोर्टर्स, क्योंकि वो रिपोर्टर्स के पास, चीफ रिपोर्टर, चीफ ऑफ द ब्यूरो जिसके भी पास आएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उसका डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, उसके यहाँ से प्रेस रिलीज आता है रिपोर्टर्स के पास, ठीक है, ये भी उसका सोर्स है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इवन फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर, ये सब प्रेस रिलीज, इनके द्वारा प्रेस रिलीज भेजा जाता है, जिसको वो अपना अधिकार देते। कभी कभी APRO भी भेज देता है, असिस्टेंट पब्लिक, कभी DPRO भी भेज देता है, कभी डिप्टी डायरेक्टर भी होता है उसको। तो कहीं से भी इनके से स्रोत से समाचार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, प्रेस रिलीज आता है उसको प्रेस रिलीज भी कहते हैं, प्रेस नोट्स भी कहते हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, हैंडआउट्स भी कहते हैं, चारों नाम से पुकारा जाता है, प्रेस रिलीज, प्रेस नोट्स, प्रेस स्टेटमेंट्स,
प्रेस हैंडआउट्स, इस सारे कहलाते हैं। इसको न्यूज़ रिलीज भी कहते हैं, पांचवा नाम बता दिया, न्यूज़ रिलीज, ठीक है, ये नामों से इसको कहा जाता है। ये सबसे रिपोर्टर के पास खबर आती है, रिपोर्टर का मतलब वो चीफ रिपोर्टर भी हो सकता है, चीफ ऑफ द ब्यूरो भी हो सकता है, और पूरे उसके रिसेक्शन में आएगा न्यूज़, ठीक है। तो ये सोर्सेस ऑफ न्यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज़ होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज़ फॉर रिपोर्टर्स, और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं समाचार के पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में भी यही लोग आते हैं जो अभी मैंने बताया आप, पारंपरिक स्रोत में जो भी गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये सब इवन म्यूनिसिपल के हैं, इवन यूनिवर्सिटी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स है, तो वो पारंपरिक स्रोत कहलाएगा, किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ का, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, इवन कॉलेज के पीआरओ होते हैं आजकल, वो जो न्यूज़ भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स। जितने भी रजिस्टर्ड बॉडीज से भी प्रेस रिलीज आता है वो सब कन्वेंशनल सोर्स कहलाते हैं। कन्वेंशनल सोर्स की न्यूज़ को चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, जो लिखता है उसको आप शुद्ध सही मान सकते, ठीक है, इसलिए कन्वेंशनल सोर्स कहलाता है। पारंपरिक स्रोत, इसमें सारे रजिस्टर्ड बॉडी और जितना मैंने बताया पीआईबी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इवन मोहल्ला के, इसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब के, जो भी रजिस्टर्ड, कोई एनजीओ है वो भी अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी लेटर हेड पर अगर न्यूज़ आया है, प्रेस रिलीज आया है, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल समझ गए, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होता है, गैर पारंपरिक स्रोत, वो जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। गैर पारंपरिक स्रोत तो आपके रिपोर्टर जो है पान वाले से भी बात कर लिया, अब पान वाला तो गलत भी बोल सकता है ना, वो टैक्सी ड्राइवर से, टैक्सी पर ट्रैवल कर रहा है उससे पता लग गया, ढाबा में बैठ गया तो वहाँ से पता लग गया, तो उसको ढाबा चलाने वाले ने भी कुछ खबर दे दी, उसको टैक्सी वाले ने भी खबर दे दी, रिक्शा वाले ने भी कुछ बात बता दिया कि उसी मोहल्ले में वो रिक्शा चलाता है मान लो, और कोई क्राइम रिपोर्टर है तो रिक्शा वाला भी बता देता है कि कल रात में देखो भाई साहब ऐसा हुआ था, मैंने भी तो अपनी आंखों से देखा था। अब रिपोर्टर उसकी भी बात को सुनता है ध्यान से, लेकिन अब रिक्शा वाला मनगढ़ंत कह रहा है, बढ़ा के कह रहा है, कटा के कह रहा है, उसके अपने परसेप्शन होते हैं। ये सभी नॉन माली, माली काम करता है बड़े बड़े उद्योगों में, उसका वो भी बता देता है, माली है, सिक्योरिटी मैन है, गेट कीपर्स है, प्यून्स है, ठीक है। इवन स्टूडेंट्स को भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं, इवन जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स क्यों ना, वो भी ऑफिशियल सोर्स नहीं है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। उनको देना नहीं चाहिए खबर, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया तो अखबार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं से भी खबर लाएंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज, दे आर नॉट ऑथराइज्ड पर्संस, दे आर अनऑथराइज्ड। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ से जो न्यूज़ आती है उसको बहुत रिलायबल नहीं माना जाता, बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता, उसको चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक करना जरूरी है कि वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कन्वेंशनल के न्यूज़ को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, जो आया वो अपने अपने विवेक से उसका एडिटिंग होता है, उसमें भी थोड़ी अपनी उपलब्धियों की कंठी माला जपी जाती है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल से न्यूज़ है वो खतरनाक है, उसमें आप फंस भी सकता है रिपोर्टर, कि गलत न्यूज़ छप गई तो रिपोर्टर फंस जाएगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल की न्यूज़ का बड़ा महत्व है, कभी 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 बहुत बड़ी बड़ी घटना के अच्छे क्लू नॉन कन्वेंशनल सोर्स दे देते हैं। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करता है तो कई बार नॉन कन्वेंशनल से ही शुरू करता है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेस कई बार बड़े मैनिपुलेटेड होते हैं, गाइडेड एंड गवर्नड होते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, वो अपने इन ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बिल्ड करने के लिए केवल एक साइड बताते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल है वो सब कुछ बता देगा, बच्चे की तरह, कहते हैं ना जब बच्चे मन के सच्चे, तो वैसे ही जो प्यून है वो कुछ भी बता देगा, माली है, जो स्वीपर है, जो सिक्योरिटी मैन है, ठीक है, उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग पान वाला है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, जो देखा जो बोल दिया, ठीक है। तो उसको नॉन कन्वेंशनल के न्यूज़ भी कभी कभी बहुत बड़े क्लू दे देते हैं, लेकिन उसको चेक, क्रॉस चेक और मल्टी चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ न्यूज़ होता है। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ न्यूज़ ये है कि आप गए स्पोर्ट्स का कवर करने
और आपने कहीं पर लड़ाई झगड़ा देख ली और अब पता चला कि इस लड़ाई के पीछे बहुत बड़े बड़े मंत्री संतरी भी हैं, तो वो अचानक से आपको खबर मिल गई। कई बार इतनी अच्छी खबर मिलती है कि अपना बीट को एक बार छोड़ देता है, वो उधर से ले आया खबर, अपने बीट से कहता है आप प्रेस रिलीज ही भेज देना, चलो मैं इधर चला गया, तो वो उसको भी कवर कर सकता है। कोई रिपोर्टर गया मान लो सीएम ऑफिस में और उसने देखा कि विरोधी दल का कोई एमएलए वहाँ आया हुआ है, तो उसको रिपोर्टर को शक हुआ, अरे सीएम के यहाँ तो रूलिंग पार्टी का आना चाहिए, विरोधी का क्यों आया है सीएम से मिलने, क्या बात है, उसको दाल में काला नज़र आया। तो वो सीएमओ में इंक्वायरी करता है कि ये विरोधी दल के एमएलए क्यों आए थे, तो वो पीए से बात करेगा, सेक्रेटरी से बात करेगा, अलग इवेंट सबसे बात करेगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो सीएम तक पहुँच जाता है, और बाद में उसको पता चला कि नहीं वो वाकई अपना पार्टी छोड़ के रूलिंग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उस एमएलए से भी जाके वेरीफाई करता है रिपोर्टर फाइनली। तो इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ न्यूज़। तो इस तरह से मैंने आपको समाचार के कई स्रोत बताए, जिसमें कि ऑडियंस के स्रोत अलग हैं, डेस्क के स्रोत अलग हैं, रिपोर्टर्स के अलग हैं, रिपोर्टर्स के कन्वेंशनल सोर्स भी हैं, नॉन कन्वेंशनल भी हैं, अनएक्सपेक्टेड भी हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ न्यूज़, जिसको मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, किसी तरह की आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो स्वागत है। तब तक के लिए इजाज़त।